ரெடி மாஸ்டர் when I turn now I say தர வெது நம்ம எது தப்பு இல்ல எது தப்பு இல்ல क्या आप जानते हैं जवान मूवी के जिंदा बंदा इस सॉन्ग की शूटिंग हिंदी और तमिल इन दोनों लैंग्वेजेस में अलग अलग की गई है। जी हाँ, हिंदी के साथ साथ तमिल ऑडियंस के साथ भी एसआरके कनेक्ट कर सके, इसलिए ये डिसीजन एटली कुमार सर ने लिया था। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं कि एक्चुअल में कैसे और कौन से लोकेशन पर हुई थी जिंदा बंदा सॉन्ग की शूटिंग। YouTube पर रिलीज के 24 घंटे पहले ही 46 मिलियन व्यूज लेकर जिंदा बंदा ने सेंसेशन क्रिएट कर दिया था। इस सॉन्ग के लिए 15 करोड़ का स्पेशल सेट चेन्नई में बनवाया गया था और कहते हैं कि ये सबसे महंगा सेट है अब तक किसी भी इंडियन सॉन्ग का। इसे शूट करने में पूरे 5 दिन लगे थे और शाहरुख खान के साथ जो डांसर्स हमें दिखाई गई हैं उनका आंकड़ा 1000 के ऊपर है। जी हाँ, इतने बड़े स्केल पर ये सॉन्ग बनाया गया है। इन डांसर गर्ल्स को चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, मदुराई, मुंबई जैसे बड़े बड़े सिटीज से चूज किया गया था। शूट से पहले और बीच बीच में शाहरुख सर के साथ बाकी डांसर्स भी काफी तगड़ी प्रैक्टिस किया करती थीं। हम देख सकते हैं कि किस तरह एटली सर शाहरुख खान को तमिल लिरिक्स समझा रहे हैं, जस्ट फॉर दैट परफेक्ट लिप सिंक। इन सभी लड़कियों के 3-4 प्रकार के कॉस्ट्यूम्स हमें पूरे गाने में देखने को मिलते हैं। ये गाना शायद मूवी के किसी जीत के बाद के सेलिब्रेशन को दर्शाता है और देखने से ये किसी जेल का सिनेरियो लगता है। शाहरुख सर को इतनी एनर्जी के साथ डांस करते हुए हमने पहले कभी नहीं देखा। अनिरुद्ध रविचंद्रन ने इसे कंपोज ही ऐसे किया है कि इसके बीट्स पर हर कोई डांस करना चाहेगा। अनिरुद्ध ने इससे पहले कई सारे चार्ट बस्टर सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोज किए हैं। उनका सबसे पहला कंपोजिशन था Why This Kolavari D। जिंदा बंदा की सॉन्ग की कोरियोग्राफी की है शोबी ने, जो कि तमिल वर्जन वंदा एडम से थोड़ी अलग नजर आती है। एसआरके के इस बाहें फैलाने वाले आइकॉनिक पोज को भी इसमें डाला गया है। कई जगहों पर हमें एटली सर एसआरके को शॉट समझाते हुए नजर आते हैं। ट्रेलर रिलीज के बाद से ही जवान ऑलरेडी एक सेंसेशनल पैन इंडिया एंटरटेनर बन चुकी है, जिसमें देश भर के टैलेंट को एक साथ जोड़ा गया है, जैसे नयनतारा, विजय सेतुपति, दीपिका पादुकोण, सानिया मल्होत्रा, प्रियमणि और इसके अलावा कई सारे टैलेंटेड एक्टर्स हमें इसमें देखने को मिलेंगे। मूवी हिंदी, तमिल एंड तेलुगु इन 3 लैंग्वेजेस में 7 सितंबर को रिलीज की जा रही है। इसे देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। Thanks for giving me lifetime moment.